हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज सारा कुछ डिटेल्स इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ तुम लोगों के साथ। तो वीडियो को बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गूगल में बी बरुआ कॉलेज आपको सर्च करना है और उसके बाद आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट में। और ऑफिशियल वेबसाइट में आते ही आपको ऐसे कुछ पेज ओपन हो जाएगा और थोड़ा स्क्रॉल करते ही आप लोग देख पाओगे बी बरुआ महाविद्यालय बी बरुआ कॉलेज का जो अभी नोटिस आया है बीए बीएससी और बीएससी आईटी। तो एडमिशन प्रोसेस जो पोर्टल है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर इस पे हम लोग क्लिक करते तो भी हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, या फिर हम लोग थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं और ये बी बरुआ कॉलेज का प्रिंसिपल सर है और सर ने ही ये नोटिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर नोटिस आया है, ऊपर एक नोटिस आया है कि बीए बीएससी का जो पोर्टल है लाइव है और आप लोगों को मैं शेयर करने वाली हूँ लास्ट डेट कब है और कब से आप स्टार्ट मतलब कर सकते हो एप्लीकेशन, कब से मतलब अप्लाई कर सकते हो। तो पहले चलिए इसको क्लिक करते हैं, एडमिशन नोटिस फॉर द सेशन 2022-23। तो इसको ओपन करते ही एक पेज ओपन होगा, उसको हम लोग डाउनलोड कर लेना है। और ये पेज में आप लोग देख सकते हो जो ऑफिशियल नोटिस है बी बरुआ कॉलेज गुवाहाटी 78107 असम का। और एडमिशन नोटिस में क्या लिखा है इसको जानने के लिए आपको वेबसाइट में जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एडमिशन टू फर्स्ट सेमिस्टर कोर्सेस जो है बीए ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स, बीए रेगुलर जो पास कोर्स के स्टूडेंट्स बीए करना चाहते हैं बीए पास कोर्स, और बीएससी रेगुलर मतलब बीएससी में अगर पास कोर्स करना चाहते हैं, और बीबीए और बीएससी आईटी आर बीइंग रिसीव्ड इन द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल एट www.bborua college.ac.in। मतलब आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अपना फर्स्ट सेमिस्टर कोर्सेस के लिए आपको जो कोर्स आपको पढ़ना है उस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन में, ठीक है। ये ऑफलाइन नहीं होगा, तो मैं दोबारा से बोल दे रही हूँ ये सारा कुछ अभी होगा ऑनलाइन सिस्टम में, ठीक है। और लास्ट डेट आप लोग देख सकते हो 18/7/2022 5 PM, मतलब जुलाई महीने के 18 तारीख तक आप लोग अप्लाई कर पाओगे। तो एकदम भी इसको फेक मत समझो, इग्नोर मत करो, ये प्रिंसिपल सर का देखो सील किया हुआ सिग्नेचर है यहाँ पे और ये खुद उन्होंने नोटिस डाला हुआ है, तो इसको इग्नोर मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते, बाद में रोते हैं कि अभी तक तो मैंने किया नहीं था, अभी कैसे करूँ, ये गलत हो गया, क्या हो गया, मैं मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाते हैं जब लास्ट डेट चला जाता है। तो लास्ट डेट से पहले इसको फॉर्म फिलअप कर लो, ठीक है। और देखते हैं डेट ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन विल बी नोटिफाइड इन द कॉलेज वेबसाइट। तो काउंसलिंग का डेट जो आप लोग एडमिशन टाइम में होता है तो उसका भी डेट अलग से कॉलेज वेबसाइट में आ जाएगा नोटिस। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन एंड फॉर डिटेल्स रिगार्डिंग एडमिशन कैंडिडेट्स आर टू विजिट द कॉलेज वेबसाइट। तो आप लोग देख सकते हो कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग बार बार इसको विजिट करो, चेक करो, रिफ्रेश करते रहो, तो बाकी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा आपको वहाँ पर ही मिलेगा, ठीक है। बाकी जो भी मुझसे हो सकता है मैं तो आप लोगों को हेल्प करने के लिए हूँ यहाँ पे, तो जितना सारा नोटिस आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहूँगी, ठीक है। तो बाकी आप लोग को करना है एक काम, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को पहुंचाओ ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पे एडमिशन ले सके, ठीक है। आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद करो। तो एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर मिलूंगी आप सभी से। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड बाय बाय।